रही हूँ मैं, एक बार राम मंदिर की उन्होंने बात की, मैं आ रही हूँ दुष्यंत जी, राम मंदिर की उन्होंने बात की। ममता जी मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि, अरे मैम आप ही के पास आ रही हूँ, इसीलिए बुलाया क्योंकि महिला सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा चुनाव में रहा है। प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं महिला युवा की बात करते हैं, आदिवासी की बात करते हैं, राम मंदिर का मुद्दा भी क्या महिलाओं के लिए बड़ा मुद्दा है? सबसे बड़ा मोदी ने किया, जो मोदी कर दिया ना दुनिया में कोई नहीं करेगा। मोदी हर हर मोदी, हर हर मोदी। अच्छा। मोदी बहुत कुछ किया, आप क्या करता, घर लिख देता है, सब कुछ दिया, आप क्या देगा भाई? रोजगारी है, बेरोजगारी तो गाड़ी है, बंगला है, घर है, सबके पास है, तब क्या रहेगा? अपने यही बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगी क्यों? पूजा तो आप भी करती होंगी, पूजा करते हैं। हाँ, तो राम मंदिर आपको लगता है मुद्दा है, लोग उसकी वजह से खुश हैं और उसको देखकर बहुत खुश हैं, उसके वजह से सब खुश हैं। जो सेंटिमेंट आप देख रही हैं, एक बार धर्मेंद्र जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप इधर आए, ये जो एक सेंटिमेंट आप देख रहे हैं ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि राम मंदिर को लेकर भी एक राजनीति हुई है ममता जी। मैं आज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज 8 सीटें यूपी में थी और आज पश्चिम बंगाल में भी वोटिंग हुई है, सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। तो क्या ये जो वोटिंग है और वोटिंग परसेंटेज है ये दिखा रहा है कि एक सरकार के खिलाफ ये वोटिंग है और एक सरकार के समर्थन में वोटिंग? जी बिल्कुल, जहाँ तक आपने पश्चिम बंगाल की बात की है तो मेरी नाम राशि वहाँ पर है ममता दीदी, पर मैं उनको निर्ममता बनर्जी बुलाया करती हूँ क्योंकि ममता नाम का उन्होंने सम्मान नहीं रखा है, ऑन अ सीरियस नोट। और आज देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी वेस्ट बंगाल की पावन भूमि में थे और वहाँ का नज़ारा देखने वाला था, जनता सड़कों पर थी, मोदी मोदी कर रही थी, कोई ममता बनर्जी को याद नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि सबको मालूम है निरंकुश शासक से अगर मुक्ति चाहिए तो फिर मोदी है तो मुमकिन है ही करना पड़ेगा और मोदी जी के ही वहाँ पर सरकार लानी पड़ेगी, यानी कि भाजपा को वोट देना पड़ेगा, पहली बात। हाँ। दूसरी जरूरी बात मैं ये करना चाहती हूं, जो आपने राम मंदिर की बात करी है, बिल्कुल राम मंदिर एक महत्वपूर्ण हिस्सा है आज के चुनाव का क्योंकि 500 वर्षों के बाद हमारे भारतवर्ष के अंदर हमारे रामलला को लाने के लिए इतनी मेहनत मशक्कत करनी पड़ी और समाजवादी पार्टी ने जो कार सेवक थे जो रामलला को लेके आने की बात करते उन पर गोलियां चलाई, हमारे राम को, हमारे आराध्य को इन्होंने 500 साल तंबू में रखा। आप सुनिए, अब ये जो इमोशन है, ये राम मंदिर की बात जैसे ही ममता जी कर रही हैं वो इमोशन है, उसको कैसे, उसको आप अगर लगता है वोटों में तब्दील नहीं होगा तो गलत नहीं कहेंगे? सुचरिता जी, इस देश में अगर संविधान ना होता तो इस देश में राम मंदिर नहीं बनता, और उसी संविधान को खत्म करने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, उस पर भी लोग ताली बजा देते हैं, उसके लिए तो हम क्या कर सकते हैं भाई? वो तो मैंने सवाल पूछा अभी। अब सुनिए, देखिए भावनाओं में कभी कभी आदमी गलत फैसले भी ले लेता है, लेकिन देश संविधान से चलता है, हमें संविधान का सम्मान करना चाहिए और उसी संविधान की वजह से इस देश में राम मंदिर बन पाया है, इसलिए हमें संविधान को खत्म करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। संविधान को खत्म कर, मैं एक बार लोगों से पूछ लूं, ममता जी आप जरा वहां जाइए, मैं एक बार आ रही हूं, एक बार संविधान को खत्म करें, उन्होंने कहा कि बीजेपी आएगी तो गोली चलाई थी मैडम, कार से 2017 से पहले यहां आप इस तरह घूम नहीं सकते थे, ऐसा इनका गुंडों का राज्य था कि आप निष्पक्ष, एकदम सही कह रहे हैं, इतना गुंडे कर दी थी कि आदमी का जीना मुहाल था। अब इस समय गुंडे जो है दबे हुए हैं, इस समय कोई बाहर निकल के नहीं आ रहा है, ये सब आपको लग रहा है कि आज से 2 महीने पहले की बात है, मैं गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन पे बच्चों को छोड़ने गया, रात सुबह 4 बजे जब मैं वापस आया, 2 लड़कियां अपनी अपनी एक्टिवा पे ऐसे जा रही थी जैसे किसी को कोई डर है ही नहीं, और यही वो यही पहले उनके राज में ये होता है। बोलिए, मेरा सवाल ये है, हमारे सपा के नेता, हमारे कांग्रेस के नेता, हमारे जेडीयू के नेता, ये बताएं इनका प्रधानमंत्री है कौन? चलिए भाई, ये सवाल बार बार, पाशा जी आप तो तेजस्वी यादव का नाम ले सकते हैं लेकिन दुष्यंत जी बोलेंगे राहुल गांधी, फिर वहाँ पर कोई बोलेगा ममता बनर्जी, आपको जवाब तो ले लूं, आपको 2004 याद है? दो हजार चार में किसका नाम था प्रधानमंत्री के लिए? आपके पास एक नाम है, उसके बाद शून्य है, एक नाम वो कह रहे हैं योगी है, और ये हा, हा। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, लोकतंत्र में हर जनता प्राइम मिनिस्टर बनने की क्षमता रखता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सबको मौका मिलना चाहिए, लोकतंत्र में यदि नायकवाद है, एक आदमी बनेगा, यदि नायकवाद है,
ये डिक्टेटरशिप है, लोकतंत्र में हर जनता को। अच्छा ठीक है एक मिनट एक मिनट, तो मैं एक सवाल पूछ रही हूँ परमानेंट, ठीक है पाशा जी, एक सवाल आप क्यों डर रहे हैं? ठीक है आपने कहा कि एक प्रधानमंत्री है, हमने 2004 में, अच्छा सवाल तो सुन लीजिए, श्री मनमोहन सिंह जी को दिया था प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक है देश के अच्छा मैं पाशा जी मैं एक चीज पूछ रही हूँ, देश के सबसे लर्नेड, अच्छा मैं सवाल पूछ लूँ, प्रधानमंत्री थे आपकी पार्टी में तेजस्वी यादव के अलावा कौन सा नाम है? कारण आप उनका अपमान कीजिए, नहीं पाशा जी जवाब नहीं देंगे, सिख होने के कारण आप उनका अपमान कीजिए, ठीक है मैं सवाल ये पूछ रही हूँ कि क्या, सवाल मैंने ये पूछा कि क्या आपकी पार्टी में तेजस्वी के अलावा कोई नाम है, क्या कांग्रेस में आप राहुल गांधी के अलावा, खड़गे जी भले ही अध्यक्ष है, कोई चार नाम बता सकते हैं जो अध्यक्ष बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते, चार नाम बताइए। बिल्कुल, श्री खड़गे जी हैं, श्री राहुल गांधी जी हैं, भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, पी चिदम्बरम, बहुत है, ये सारे बन सकते हैं अध्यक्ष, वो कह रहे पी चिदम्बरम, भूपेश बघेल, हमारे पास तो पूरी लिस्ट है, आपके पास तो मोदी है, उसके आगे कोई नहीं। देखिए सुचारिता जी, अभी ये कह रहे थे कि हमारे पास एक ही नाम है, मैं कहता हूँ एक अकेला सबे भारी, एक अकेला सबे भारी, और ये कोई बर्थडे की पार्टी थोड़ी है कि केक कटेगा सब में बटेगा, यहाँ पे आके खड़े हो गए, सबको मौका मिलना चाहिए। अरे राहुल गांधी जी ठीक से गाड़ी तो चल नहीं सकती, सरकार क्या चलाएंगे, ये देश का बंटा धार नहीं करवाना है अपने को, अपने को इस देश में जो प्रगति की राह हमने 10 साल में पकड़ी है, जिस राह पर हम आए हैं, 60 साल में जो गड्ढे इन्होंने खोदे थे उनको भरकर एक नई विशाल इमारत बनाने का जो काम किया है, वो प्रगति रुकने वाली नहीं है। ये वैसे विशाल इमारतों का ही शहर है, दिख भी रही है इमारत, आप यहाँ पर इमारत बनाने की बात कर रहे हैं, मुझे उन्होंने राहुल गांधी की बात की, मैं एक बार जरा जनता से पूछ रही हूँ, एक बार जनता से पूछ रही हूँ, आज वायनाड का भी चुनाव था, आज वायनाड सील हो गया है, यानी केरल में चुनाव था, वायनाड सील हो गया, अब अमेठी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? उन्हें डर है वहाँ से जीतेंगे नहीं। अच्छा डर है? हाँ, जीतेंगे नहीं वहाँ से। दुष्यंत जी आपको मैं जानता हूँ बहुत दिनों से, आप बड़े सज्जन आदमी है, इतने वाह तारीफ कर, कैसी पार्टी पकड़ ली है जो आपको शर्मिंदा होना पड़ रहा है, आपसे इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे, बहुत शर्मिंदगी मुझे उठानी पड़ रही है आपकी वजह से। अरे मैं नचा वहाँ नाचती थी लड़कियाँ जब देखते थे आपको, मुझे बड़ा भद्दापन लगता था, मैंने वहाँ ड्यूटी करी है। ठीक है तो आपने तारीफ करी, चलिए दुष्यंत जी हमारे बड़े, हाँ हाँ हाँ, ये आरजेडी के हैं, और हम भी बिहार के रहने वाले हैं, और शहाबुद्दीन जो था ना सिवान में तांडव मचाया हुआ था, गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी बिहार में, लूट पाट खजोट, लालू के लड़की के शादी में पूरे पटना का जितनी बसें थी ट्रक सब लूट ली गई थी। अच्छा मुझे मुझे एक बार हाथ खड़ा करके, एक बार सुनिए मेरी बात, एक बार हाथ खड़ा करके बताइए सुरक्षा कितना बड़ा, किसके लिए सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा है, देखिए सबने हाथ खड़े कर लिए, सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा, जान जान है तो जहान है, ठीक है सुरक्षा तो बहुत जरूरी है, हाँ। सुरक्षा नहीं होगी तो नहीं, क्या मैंने कहा सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा, किसके लिए सबने हाथ खड़ा कर लिए, यानी कि सिक्योरिटी, सिक्योरिटी सबसे बड़ा मुद्दा है, मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ, हाँ आपकी तो तारीफ कर दी भाई, भारतीय जनता पार्टी ये सब अपने लोग हैं कोई बात नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने नीचे से लगा के ऊपर तक हाथ कर दिया, इतनी बड़ी बिल्डिंग की है हमने, इस गौतम बुद्ध नगर जिले के अंदर 2 स्मार्ट शहर बनाए, आपके पीएम ने बोला कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आप एक स्मार्ट गांव का नाम तो बता दीजिए जो आपने बनाया हो, आप बताइए, आपने कहा हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, अरे बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हो, वंदे भारत बंद हो गई, आप बताइए ना कौन सा आपने बनाया, क्या सृजन किया नया आपने, वो सिद्धार्थ जी से पूछ रहे हैं आप, आपने सिर्फ उनके फीते काटे, उनका उद्घाटन किया जो अखिलेश यादव जी की सरकार ने बनाए, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाया। अखिलेश जी